नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। विद्यार्थियों की जबरदस्त मांग है क्योंकि राजस्थान में शिक्षक भर्ती है, बिहार में शिक्षक भर्ती है, उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती है और यूपी में शिक्षक भर्ती है, एमपी में शिक्षक भर्ती है और शिक्षक भर्ती भी कौन सी, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों की भरमार है। और बहुत सारे बच्चे जिन्हें अपन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं क्या क्या है, जैसे जेबीटी हरियाणा में है, बीएससीसी राजस्थान में है, डीएलएड है और बीसीटी है। और इसका सेशन 2024-26 है। मैं बता दूं इन पात्रता परीक्षाओं में अब की बार से जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान में यह नोटिफिकेशन जारी हो गया है और राज्यों में धीरे धीरे हो जाएगा। तो सेशन 2024-26 में यदि कोई विद्यार्थी डी ई एल ई डी करता है यानी बी एस सी सी करता है तो अब वह है कौन सी जगह चुने, सबसे बड़ी चीज है उसको समझने की गई। डीएलएड जो है ना ये करे कहां से, क्योंकि यूट्यूब पर इतने लोग हैं मैं करवा दूं भाई, सारे तुम ही करवा दो भाई, ये बेचारे बच्चे कहां जाएंगे। क्या तृतीय श्रेणी में शिक्षक भर्ती में ये मान्य होगी, सबसे बड़ी चीज। क्या आप हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, अन्य राज्य से, यानी अपने राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य से आप अगर करते हैं तो क्या ये मान्य होगी और आपकी कैटेगरी क्या होगी, आपको किस कैटेगरी से वो करवाया जाएगा, ये सोचने वाली बात है भाई साहब। तो बीएसटीसी करने से पहले ध्यान से मेरे पूरे वीडियो को देख लेना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको डीएलएड करवा के दूंगा, पर मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपको जो गाइड करूंगा वो गाइड इतना अच्छा होगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ है। बेझिझक मेरे जो नंबर हैं, यानी ये मैंने पहले लिख दिया है, सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, ऑथेंटिक तरीके से होंगे। मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 98-87-64-60-20। और इन पर आप तो ये लिख देना, जैसे आप बीएसटीसी करना चाहते हो, बीएसटीसी जो जेबीटी वाले हैं, बीटी और जो डी ई डी एल आता है ना भाई, डी ई एल ई डी, ये करना चाहता है तो ये कोई भी, मुझे इनमें से कोई भी लिखकर आप मैसेज कर देना और आपका सवाल लिख देना, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा और कहां से रहेगी बेस्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब वर्तमान में जो चल रहा है वो परिदृश्य चल रहा है, जैसे हर जगह चल रहा है, हर जगह बातें हो रही है, तो इन सब के लिए मैं आपको बता दूं, आपको अब वर्तमान में जो राजस्थान या यूपी, जो बिहार या जो झारखंड वाले हैं उनके लिए हरियाणा इज बेस्ट ऑप्शन है। हरियाणा वर्तमान में सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहां कॉलेज वाले बुलाते भी हैं, आपके एग्जाम भी करवाते हैं, आपके जो स्कूलों में लगता है 1.5 महीने का वो भी करवाते हैं, पूरे जेन्युइन काम होता है यहां पर। तो मैं पहली राय दूंगा आप हरियाणा से बीएससीसी या डीई एलईडी कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक नहीं खुल रहा है गुरुजी, ऑनलाइन लिंक पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्या, क्या चक्कर है? बिल्कुल भाई साहब, ऑनलाइन लिंक नहीं खुल रहा है, और ऑनलाइन लिंक नहीं खुल रहा है तो ये देखो, ये एक चीज आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपको दिख रहा है, पोर्टल इज अंडर यानी उसकी मरम्मत चल रही है, कुछ उसमें कोई खराबी आ गई है या कुछ कमियों के कारण, नेटवर्क के कारण या कोई ऐसा है जिससे ये ओपन नहीं हो रहा है, जिससे ये क्या है ओपन नहीं हो रहा है। आपको मैं डायरेक्ट साइड पे ले चलता हूं, ये देखिए आप साइड देख लीजिए, यहां पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, हर चीज का आपको बताया, डीएलएड प्रोसेसिंग 2024-26 है। तो हरियाणा इज बेस्ट राज्य वर्तमान में डीएलएड करने के लिए। अब गुरुजी आप हमारी किस प्रकार से सहायता करोगे ये बता दीजिए बस हमें। तो अब देखो इसके साथ और बता दो, जो माइनॉरिटी कॉलेजों में एडमिशन चल रहे थे 23-25 के, उन पर भी फैसला आने वाला है। कब आने वाला है? 22 तारीख को ही आने वाला है। तो इससे संबंधित भी कोई सूचना या कोई जानकारी चाहिए, आपको जानकारी चाहिए तो जो मैंने नंबर दिए हैं उन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जो आपके प्रश्न यहां पर होगा, तो लिंक ओपन 22 तारीख को होगा, मैंने बता दिया है। कब से होगा एक्टिव? अब एक्टिव तो भाई साहब 23 को भी हो जाए, 24 को भी जाए, उन्होंने कहा है संभावित 22 तक हम इस मामले को ठीक करें। क्या ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है? देखो वैसे तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, सीधी सी बात, ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म,
मगर क्या होता है, एक तो बीच में ब्रोकर होते हैं, सीधी से शब्दों में बात करो एक कॉलेज वाला होता है, एक आप होता है। यानी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉलेज के लिंक पर आप अपना या जो डीएलआईडी की साइड है, बिहारी बोर्ड की साइड है, उस पर जाकर आप अपना पोर्टल रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपको कौन सी कॉलेज मिलती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ब्रोकर क्या करता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ एडमिशन देकर उस कॉलेज को आपके लिए बुक करवा देता है, तो बेस्ट ऑप्शन ब्रोकर रहता है। क्योंकि मैंने एक बात बता दूं आपको, आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, ब्रोकर के थ्रू करवाओगे, पेमेंट में कोई फिर बदल नहीं आएगा, उतना ही पेमेंट लगेगा, जो पेमेंट लग रहा है उतना ही पेमेंट लगेगा, 1000-2000 का अंतर आएगा। मगर डायरेक्ट कॉलेज में करने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान रहता है, क्योंकि वहां पर वो अपनी मनमर्जी से काम करवाते हैं, ब्रोकर अपने हिसाब से काम करता है कि वो ग्रुप में काम करता है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई मत करना, जिस आदमी के थ्रू आप है, जैसे ब्रोकर है या कॉलेज में कोई जानकार है, उसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कहां और कैसे करना होगा एडमिशन, तो आपको अगर एडमिशन लेना है ना भाई साहब, और विश्वास पात्र आदमी के पास लेना है ना, तो भाई साहब मैं आपको नंबर लिख देता हूं, 98-87-64-60-20 ये नंबर है। इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सारी जानकारी सही तरीके से सही दूंगा, मगर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना, व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ देना, ऐसे नहीं आओ रिप्लाई दे दो रिप्लाई दे दो, ऐसा नहीं है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। सही सही देखो, पैसा यार ये सबसे बड़ी चीज है, पैसा कि कौन कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा, मगर कोई कम भी ले सकता है, कोई ज्यादा भी ले सकता है, मगर जो एक दो रुपए अधिक ले रहा है तो वो आपको जेन्युइन चीज भी दे रहा है। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इन नंबरों से आप मैं गाइड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं वहां काम करता है, या डायरेक्ट कॉलेज के नंबर दे दूंगा आपको, तो वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपका भाई आपके साथ है। झारखंड उत्तराखंड बिहार यूपी वाले विशेष ध्यान देना मेरे यारो, है और राजस्थान तो है ही यार, है तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लेना, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर करना, हर जरूरतमंद को इस बात की जानकारी मिलेगी कहां से बेस्ट तरीके से, और देखो वीडियो लंबे बनाने से अच्छा है आप मुझे व्हाट्सएप पर सीधा संपर्क कर लें, तो मैं आपको सही गाइड कर दूं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।